फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूँ ये छोटा सा एम्पलीफायर का रिव्यू। गाइज, आज की वीडियो में गाइज इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ फुल। ये एक 200 वॉट स्टीरियो एम्पलीफायर है गाइज, जो कि देख सकते हैं एक क्लास डी एम्पलीफायर है गाइज। इसका फुल रिव्यू इस वीडियो में देने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी चैनल पर नया है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। गाइज, वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले इस एम्पलीफायर की बात करूँ तो गाइस बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है इस एम्पलीफायर का। देख सकते हैं मेरे हाथ में रखा हुआ कितना छोटा सा इसका कॉम्पैक्ट साइज़ है। बाकी इसके जो पावर की बात करूँ गाइस, 200 वोल्ट तक का आउटपुट ये हमें दे देता है 36 वोल्ट पर। और गाइस देख सकते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है, किसी भी कैबिनेट में ईजिली इसको आप फिक्स कर सकते हैं। बाकी इसमें जो भी इसकी वायरिंग है, वायरिंग में अभी आपको बता देता हूँ गाइस। और उससे पहले इसमें बता दूं, जो इसमें आईसी होती है गाइस क्लास डी की, वो 3116 D2 आईसी होती है। ये देख सकते हैं गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देख सकते हैं गाइस, इसके अंदर 3116 D2 आईसी होती है, TP 3116 D2 आईसी। गाइस इसके अंदर दो आईसी यूज़ की जाती हैं, ये आईसी स्टीरियो होती है गाइस। यहाँ पर एक चैनल पर ये बता दूँ, यहाँ पर एक चैनल पर और यहाँ पर एक यहाँ पर अपने सबूफर के लिए एक चैनल पर, और यहाँ पर स्टीरियो में या 2.1 है, क्योंकि 2 जो यहाँ पर सैटेलाइट आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर 100 वाट तक का कोई भी अपना सबूफर इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी वीडियो में दिखाने वाला हूँ इस वाले सबूफर को, इस बोर्ड से चला के दिखाने वाला हूँ टोटली। चलिए इसकी वायरिंग के ऊपर आते हैं अब हम। सो गाइज, इसकी वायरिंग के ऊपर आते हैं अब। वायरिंग की कनेक्शन आप इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पीछे ये अपने दो जो कनेक्टर दे रखे हैं, यहाँ पर स्पीकर वायर आप लगा सकते हैं, दो अपने स्पीकर यहाँ पर इजीली कनेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट। ये देख सकते हैं माइनस प्लस लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर अपना पावर सप्लाई दे सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पावर सप्लाई आप 12 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट तक की। और सॉरी गाइज, इसमें जो पावर सप्लाई आपको देनी है वो 12 से 24 वोल्ट तक की पावर सप्लाई ईजिली आप इसमें दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं बेस प्लस बेस माइनस लिखा हुआ, यहाँ पर अपना सबवूफर आपको इजीली अटैच करना है गाइज। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर अपना ये सबवूफर का टोन दे रखा है यहाँ पर, एंड लो पास फिल्टर इसमें इनबिल्ड आता है गाइज। ये देख सकते हैं लो पास फिल्टर इसमें इनबिल्ड है। बाकी इसमें ब्लूटूथ पैनल नहीं आता है गाइज, ना कोई ब्लूटूथ इसमें चिप इंस्टॉल हुई आती है गाइज, तो ये आपको खुद ही लगानी है या कार्ड के कनेक्शन है इनपुट के। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से आपको इसमें ऑडियो इन करनी है, देन आपका जो ये बोर्ड है गाइज इजीली चल जाएगा। चलिए इसके मैं सारे कनेक्शन कर लेता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ इसके किस तरीके से कनेक्शन हुए हैं और इसका साउंड टेस्ट भी सुनते हैं आगे वीडियो में। चलिए गाइज, सो गाइज कनेक्शन ओवरऑल हो चुके हैं अपने इस एम्पलीफायर सर्किट के गाइज। चलिए गाइज, इसका जो भी कनेक्शन है वो मैं आपको एक बार दोबारा से अच्छी तरीके से बता देता हूँ। सारी वायरिंग फैली हुई लग रही होगी आपको, बट चलिए इसको मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ ताकि आप इजीली इसकी वायरिंग कर पाए गाइज। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये अपने ये देख सकते हैं ये 15-15 वाट में सैटेलाइट स्पीकर हैं, जो कि सोनी कंपनी के होने वाले गाइज। और यहाँ पर अपने पास 150 वाट RMS का एक सबवूफर है 10 इंची में। तो गाइज यहाँ पर अपनी जो पावर सप्लाई मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं गाइज 10 एम्पियर की पावर सप्लाई है, जो कि यहाँ देख सकते हैं अपनी 24 वोल्ट इसको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ अपने बोर्ड को। आप 12 वोल्ट से भी चला सकते हैं इसको, एंड यहाँ पर देख सकते हैं इतने कनेक्शन में मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। और यहाँ पर गाइज ये देख सकते हैं अपने जो कनेक्शन मैंने इस कार्ड को दिए हैं, इस इनपुट से सीधा उठाकर दे देने हैं। अगर आप इससे कोई बेस टेबल भी अटैच करना चाहते हैं तो ईजिली आप कर सकते हैं, यहाँ से इनपुट लेकर बेस टेबल अटैच कर सकते हैं अगर आप इस पर बेस टेबल अटैच करना चाहते हैं। और उसकी वायरिंग आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप अगली वीडियो इसी के टॉपिक पर डाल दूंगा गाइज। तो गाइज चलिए इसको अब ऑन करते हैं और इसका साउंड टेस्ट सुनते हैं गाइज, कि ओवरऑल इसका किस तरीके से साउंड टेस्ट आने वाला है इस अपने एम्पलीफायर बोर्ड का गाइज। चलिए गाइज साउंड टेस्ट करते हैं इसका। सो गाइज यहाँ पर पावर ऑन हो चुकी है, अपनी पावर सप्लाई भी देख सकते हैं ऑन है, ग्रीन कलर की LED ब्लिंक कर रही है गाइज। और ये देख सकते हैं अपना BT पैनल भी ऑन हो चुका है गाइज। चलिए यहाँ पर एक NCS सॉन्ग प्ले करते हैं ताकि कॉपीराइट ना आए। गाइज अच्छे से साउंड टेस्ट सुनने के लिए प्लीज़ हेडफोन का यूज़ करें आप।
जब तक हेडफोन का यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको इसकी क्वालिटी नहीं पता लगेगी। तो गाइस चलिए मैं सॉन्ग को ऑन करता हूँ। इस बोर्ड के साउंड टेस्ट की बात करूं तो गाइज ये था अपने इस बोर्ड का साउंड टेस्ट। वो गाइज साउंड मुझे अच्छा लगा जहाँ तक है, बाकी इसका हल्का फुल्का गेन थोड़ा सा कम है, बट इसका गेन बढ़ सकता है अगर यहाँ पर आप ये जो मॉड्यूल है, ये नॉर्मल मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर आप अच्छे गेन वाला मॉड्यूल यहाँ पर यूज़ करते हैं लाइक पगारिया मॉड्यूल, तो आपको अच्छा गेन मिलेगा यहाँ पर। बाकी यहाँ पर एक बेस टेबल भी अटैच कर सकते हैं आप, ये देख सकते हैं इस तरीके का LM324 वाला बेस टेबल मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको भी अटैच करके और अच्छा परफॉर्मेंस इससे ले सकते हैं गाइस। ओवरऑल अच्छा है बोर्ड, और हीटिंग इशू भी इसमें हल्का फुल्का हीटिंग इशू है, क्योंकि गाइस अभी थोड़े समर का मौसम है तो गाइस इसलिए थोड़ा बहुत हीट तो हो गई है, क्योंकि गर्मी बहुत है तो गाइस हीट प्रॉब्लम भी थोड़ा कम है, क्योंकि क्लास डी में इतनी हीट बोर्ड में नहीं होती है गाइस। और बाकी 3116 D2IC है, तो आपको पता ही होगा किस तरीके का इसका परफॉर्मेंस है गाइस। आप इसको बाय कर सकते हैं, मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर मेरा नंबर भी ले सकते हैं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा कैटलॉग का, तो वहाँ से जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। और गाइस आपको वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करें गाइस अगर अच्छी लगी है तो, अगर आपको कुछ वीडियो से रिलेटेड जानकारी लें तो कमेंट कीजिए, बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा गाइस। तो आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होती है गाइस मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊँगा गाइस। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।